अपने अस्तित्व की खोज में मैंने सिर्फ यही जाना है, मुश्किलों से लड़कर मंजिलों को पाना है। मन का विश्वास कभी कम ना हो, अपने आप से किया ये वादा सदा निभाना है। आज ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो लेडीज नहीं कर सकती है, आगे पढ़ सकती है। बच्चे पालना, घर संभालना, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन हम करियर भी अपना बना सकते हैं। खाना बनाने से प्रोजेक्ट बनाने तक, परिवार संभालने से कानून संभालने तक, हर चीज मुमकिन है। मुझे ऐसे लगा कि मेरी क्रिएटिविटी किचन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने मैक ज्वाइन किया। मैक जाकर मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिले, जिसमें से मुझे पसंद आया फोटोशॉप, जिसमें मेरी क्रिएटिविटी एनहेंस होकर आई। जैसे मैक में मुझे अपना करियर पाथ मिला, मैं चाहती थी मेरे बच्चों को भी मिले, इसलिए मैंने प्रियल को सजेस्ट किया कि वो मैक जाकर अपना करियर गाइडेंस ले। तो मेरा 10th खत्म होने के बाद ही मेरी मॉम ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और सीखूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा करियर बने। मेरी मॉम बहुत क्रिएटिव है, उन्होंने मैक में ऑलरेडी एक कोर्स किया है, सो उन्होंने ही मुझे मैक के बारे में बताया। मैं मॉम की तरह इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग और ड्राइंग इतना खास नहीं आता, बट उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि तुझे नहीं आता फिर भी तू कर सकती है। देन वी वेंट टू मैक, वहाँ उन्होंने हमें काफ़ी सारे कोर्सेज बताए और मुझे एडवांस विजुअल इफेक्ट्स कोर्स में इंटरेस्ट आया और वहीं से मेरी VFX की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हमेशा से चाहती थी प्रियल अपने पैरों पे खड़ी हो और वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। मेरी मम्मी घर में अकेली पर्सन थी जो अर्न करती थी, क्योंकि मेरे पापा गुजर गए थे, बट फिर भी उन्होंने अपना काम संभाला, घर चलाया और मेरा और मेरे भाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। एक बार ऐसा भी हुआ था कि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, बट वो तो अच्छा था कि EMI ऑप्शन की वजह से हम फीस भर पाए। पर उससे भी ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी मॉम को दूंगी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ पिलर की तरह रही। आज मैं जो भी हूँ मेरे मॉम के विश्वास की वजह से हूँ और खुश हूँ। मुझे लगता है हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ताकि हमें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर मैंने मैक में एडमिशन लिया और मेरी VFX की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फैकल्टी के सपोर्ट से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और वही नॉलेज को मैंने फिर इन डेप्थ सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ किया और फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी MPC में एक जॉब मिली और मेरे डिपार्टमेंट में मैं फर्स्ट लड़की थी। बाकी स्टूडेंट से मेरा एक ही मैसेज है कि जब हम छोटे होते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसे वक्त पे हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में मिल जाए, और मेरे लिए वो जगह मैक थी। मैं यही चाहूंगी कि हर औरत अपना सपना पूरा करे और एज की तरफ ना देखे, अपने बच्चों के सपनों को सपोर्ट करे, स्टैंड फॉर देम एंड बिलीव इन देम। मुझे मेरी प्रियल पे बहुत गर्व है। हर दिन त्योहार हो, हर सपना साकार हो, जब मन में हो विश्वास, खुशहाल ये संसार है। पिछले 2 दशकों से हमने कई जिंदगियों को अपने सपनों को पूरा करते हुए देखा है।